इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप किड्स के लिए बुक कैसे क्रिएट करेंगे। आप बहुत ही आसानी से किड्स के लिए बुक क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म्स से। नंबर 1 है चैट जीपीटी एंड नंबर 2 है कैनवा एप्लीकेशन। इन दो की मदद से आप बहुत ही अच्छी ही बच्चों के लिए बुक क्रिएट कर सकते हैं। सो आइए सीखते हैं। अगर आप चाहते हैं बच्चों के लिए किड्स बुक क्रिएट करना इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले आपको चैट जीपीटी पर आ जाना है और यहाँ पर आपको एक स्टोरी जनरेट करा ली है। यहाँ पर मैंने टाइटल लिख दिया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी स्टोरी जो जनरेट होकर आ चुकी है। अब इस स्टोरी को मैं हिंदी में अगर जनरेट करना चाहती हूँ तो यहाँ पर आपको लिखना है प्लीज़ राइट दिस स्टोरी इन हिंदी। यहाँ पर ये स्टोरी हिंदी में भी जनरेट होकर आ जाएगी आपके सामने। आप हिंदी लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज में बुक क्रिएट कर सकते हो आप जिस भी लैंग्वेज में चाहते हो। यहाँ पर हम इंग्लिश और हिंदी दोनों को कॉपी कर लेते हैं। करने के बाद आपको कैनवा एप्लीकेशन पर आ जाना है और सर्च बार में आपको टाइप करना है स्टोरी बुक। स्टोरी बुक आप जैसे ही टाइप करेंगे यहाँ पर ब्लैंक वाला आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप कलर सिलेक्ट कर ले आप किस तरीके का अपना बुक्स के जो पेपर हैं वो किस कलर के होने चाहिए आपके। यहाँ पर ये कलर आप इस तरीके से एडजस्ट कर लें। देन एलिमेंट्स पर आ जाएंगे। एलिमेंट्स पर आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है, जैसे हम टाइप कर देते हैं ट्री। जैसे ही हम ट्री यहाँ पर टाइप करेंगे और आपके सामने यहाँ पर ग्राफिक्स शो हो जाएंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्राफिक्स हमारे शो हो रहे हैं। यहाँ पर ट्री आ चुके हैं और इस तरीके से आप अपने बुक पेपर को इस तरीके से सजा लीजिए। यहाँ पर बटरफ्लाई हम इस तरीके से कॉर्नर में इस तरीके से एडजस्ट कर देते हैं। सर्च करेंगे आप बटरफ्लाई और यहाँ पर आपको अपना पेज जो है इस तरीके से बच्चे बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं इस तरीके के पेजेस को। यहाँ पर हम इसे इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर देते हैं ग्राफिक्स। यहाँ पर कैट हमने ग्राफिक्स ऐड कर दिया, हमारी स्टोरी कैट के बारे में है। यहाँ पर हमने कैट भी अपने पेपर पर टाइप कर दिया है यानी बुक्स का पेपर जो होगा। देन आपको ब्लॉब टाइप करना है सर्च बार में और इस तरीके से ब्लॉब आपको पेपर में सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको इन्हें डुप्लीकेट कर लेना है। यहाँ पर डुप्लीकेट करने के बाद आप यहाँ पर इस तरीके से 3 पेजेस हमारे हो चुके हैं और यहाँ पर आपको सभी पेजेस में इस तरीके से ब्लॉब डाल लेने हैं, इस तरीके से ऐड कर लेने हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज के डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। यहाँ पर 3 पेजेस पर हम इस तरीके से अपना ये ब्लॉब्स यहाँ पर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हम अपने जो बुक्स के पेपर इस तरीके से आ जाएंगे। देन आपको ऐप्स पर क्लिक करना है, यहाँ पर नीचे से हो जाएगा। देन आपको सर्च बार में टाइप करना है मैजिक मीडिया। जैसे ही हम मैजिक मीडिया टाइप करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने ऐप्स ओपन होकर आ जाएगा मैजिक मीडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपके सामने ये ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मैजिक मीडिया। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सर्च बार में यहाँ पर आपको टाइप करना है अपनी स्टोरी से रिलेटेड आपको इमेज चाहिए होंगी। इसके लिए आपको चैट जीपीटी पर आ जाना है और यहाँ से मैं स्टोरी की लाइन कॉपी कर लेती हूँ। इस तरीके से आपको कॉपी कर लेनी है वन लाइन में, यहाँ पर इसे कॉपी कर लेती हूँ। इस तरीके से आपको इसे कॉपी कर लेना है। यहाँ पर मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ से हम स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे 3D या NIM, आप कुछ भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 3D स्टाइल सेलेक्ट कर लेती हूँ और साइज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और स्कैन। यहाँ पर लैंडस्केप में सिलेक्ट कर लेती हूँ। देन आपको जनरेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये 4 इमेजेस शो हो जाएंगी। अब आपको यहाँ पर इमेजेस पर क्लिक करना है। यहाँ पर इमेज पर मैं क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने फर्स्ट पेज पर यहाँ पर इस तरीके से अपनी इमेज को यहाँ पर ऐड कर देना है। यहाँ पर इस तरीके से आपको 1x1 करके सभी पेजेस में यहाँ पर आपको कॉपी करना है और जिस भी के भी बारे में आपको यहाँ पर है हम यहाँ पर कॉपी करेंगे और इमेज जनरेट करेंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे अलग अलग पेजेस में अलग अलग इमेजेस। यहाँ पर हमने कॉपी पेस्ट करके इमेजेस जनरेट कर लिए हैं
और तीनों पेजेस में इस तरीके से इमेज यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है। सो इस तरीके से आप इमेजेस ऐड कर ले। यहाँ पर मैंने ये इमेज ऐड कर ली है। सो यहाँ पर भी मैं इमेज ऐड कर लेती हूँ मेरे बुक के थर्ड पेज के लिए। और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये पेज क्रिएट हो चुका है। देन आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना है, ऐड ए हेडिंग पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम ऐड ए हेडिंग पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम अपनी स्टोरी की वन लाइन जो कॉपी की है हमने, यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। और इस तरीके से स्टोरी जो है हम इस तरीके से इसे एडजस्ट कर लेंगे। आप यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं, फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं, साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं और कलर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप सभी कुछ यहाँ पर नीचे से एडजस्ट कर ले। और यहाँ पर इस तरीके से मैं इसे एडजस्ट कर लेती हूँ अपने पेजेस पर। कुछ इस तरीके से पेज पर हम एडजस्ट करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं, किस तरीके का कलर आपको चाहिए आप यहाँ से एडजस्ट कर ले। सो यहाँ पर हम कलर जो है ब्लैक ही रहने देते हैं। और यहाँ पर कुछ इस टाइप से हम फॉन्ट्स का साइज छोटा बड़ा करके देख लेते हैं। इस तरीके से हम अपने पेज पर इन्हें लाइंस को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से थोड़ा सा हम इसे बड़ा कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख ले कि इस तरीके से यहाँ पर आपके पेज पर ये अच्छी लगेंगी लाइंस। आपको कुछ ऐसी बनानी है अट्रैक्टिव लाइंस जो देखने में अच्छी लगे आपकी बुक्स। यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे एडजस्ट कर लिया है। और यहाँ पर आप स्टाइल सिलेक्ट कर लीजिए, फॉन्ट्स यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी बुक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जिससे बच्चे बहुत ही ज़्यादा लाइक करें। सो यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ पर हम फॉन्ट्स जो है इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। ये वाला फॉन्ट्स हमने सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर हम इसे एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमने एडजस्ट कर दिया। देन हम सेकंड पेज पर आएंगे और यहाँ पर टेक्स्ट पर आएंगे और हेडिंग पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर हम अपनी स्टोरी की सेकंड लाइन कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पर इस तरीके से आपको अपनी पेजेस पर इस तरीके से स्टोरी जो है पेस्ट कर देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 6 पेजेस हैं और आपको डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग पेजेस में नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल की यहाँ पर अलग अलग लाइन यहाँ पर आपको पेस्ट कर देनी है। और सभी पैचेस को वन बाय वन करके इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। फॉन्ट्स को, स्टाइल को, कलर को और साइज को आप सभी कुछ एडजस्ट कर ले। सो यहाँ पर मैं एडजस्ट कर लेती हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इसे एडजस्ट कर लेंगे अपनी बुक में। सो यहाँ पर हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पर इस तरीके से हम पेस्ट कर देते हैं। और फॉन्ट्स आप चेंज कर लीजिए किस टाइप पे, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके के हमारे जो है ये फॉन्ट्स हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे तीनों पेजेस क्रिएट हो चुके हैं। सो यहाँ पर हम यहाँ पर देख लीजिए और देन एलिमेंट्स पर आएंगे और क्लाउड यहाँ पर टाइप करेंगे। और यहाँ पर हम अपने पेज को और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर हम इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे अपने पेजेस पर, बुक के पेजेस पर। और तीनों पेजेस पर यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ। मैंने सिर्फ 3 पेजेस क्रिएट किए हैं। यहाँ पर आप मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर लीजिए, 10-20 पेज, और एक अच्छी स्टोरी बुक बना लीजिए। सो यहाँ पर हमने बुक टाइप किया और जैसे ही हम बुक टाइप के यहाँ पर इस तरीके से ये आ चुका है ब्लैक, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। जहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो है बुक और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। सो यहाँ पर इस तरीके से हमने अपनी बुक को एडजस्ट कर लिया है। पेपर यहाँ पर हमने इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया है और इस तरीके से हमने इसे सजा लिया है। सो यहाँ पर आपको इस तरीके से फॉलो करना है, सभी पेजेस क्रिएट कर लेने हैं अच्छी तरीके से, जिससे बच्चे बहुत ही ज़्यादा लाइक करें। सो यहाँ पर अब आपको इसे कर लेना है डाउनलोड। डाउनलोड का आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके ये पेजेस डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो यहाँ पर इस तरीके से आप बच्चों के लिए किड्स बुक्स क्रिएट कर सकते हैं और आप इसे अमेजोन पर सेल कर सकते हैं। इस तरीके की बुक्स क्रिएट करके
बहुत ही आसानी से आप कैनवा एप्लीकेशन में बुक्स क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी कुछ इस तरीके की बुक क्रिएट हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेजेस हैं। सिर्फ आपको यही काम करना है और आप अमेजोन पर और ऑनलाइन वर्क करके अर्निंग कर सकते हैं इस तरीके से आप वर्क करके ऑनलाइन। सो यहाँ पर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। I hope you like this video. If you like this video, so please like, share and subscribe this channel. Thanks for watching.